प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने ग्रुप में आप लोगों को हिदायत दी और आप लोग एक्टिव हुए और अब आप लोग के रिस्पांस भी ज़्यादा है, व्यूअर्स भी ज़्यादा हुए, तो जज़ाक अल्लाह। और मुझे नेक्स्ट टाइम कहना ना पड़े, इस तरीके से आप लोग सारे ही सब्जेक्ट में आपकी वीडियोज़ देख लिया करो और गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स दे दिया करो। खैर, हमारे लास्ट चैप्टर पर चल रहे हैं। अब हमारा सफ़र समझो कि ख़त्म ही होने आया है। इंशाल्लाह फिर हमारा 11वां चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा ना, उसके बाद रिवीजन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम हमारे 11वें चैप्टर के दूसरे हिस्सों को आज देखने वाले हैं। और उस दूसरे हिस्से में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मालिक प्रत्यय धंधानी सामाजिक जवाबदारी, कि मालिक की तरफ कारोबार की सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मालिक की तरफ कारोबार की सामाजिक जिम्मेदारी। देखो, दूसरी आलमी जंग के बाद अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो सनदी तरक्की थी उसकी शुरुआत हुई, कि हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसे ऐसे बदलाव आए हमारे सनद और कारोबार के कद में, बराबर, जिसकी वजह से हमको किसकी ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ी। ये हम छठे चैप्टर में भी देख चुके थे। अब जब हमें एक ऐसे कारोबार को हम करना चाह रहे हैं जिसमें हमको पूंजी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भागीदार को भी अपने साथ इंक्लूड किया। उस भागीदारी में सातवें चैप्टर में फिर हमने देखा कि भागीदारों की भी कौन कौन सी किस्में थी, बराबर, कि भाई कोई संयुक्त था, यानी कोई कोऑपरेटिव था, सहकारी था, बराबर, कोई जॉइंट था, कोई सिर्फ पार्टनरशिप में था, यानी भाई दो लोग थे या तीन लोग थे, बराबर। अब इसमें जब आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स की फिर हमने बात की। फिर हमने आठवां चैप्टर हमारा देखा कि भाई प्रेफरेंस शेयर हमने देखा और इक्विटी शेयर हमने देखा, बराबर। तो ये जो हमारे शेयर होल्डर्स है, ये एक बार समझ लो आपकी हमारी पूंजी के असल मालिक या हमारे कारोबार के असल मालिक यही है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी कंपनी, हमारी सनदी इकाई चल रही है ना। तो फिर अगर समाज हमारी कंपनी को चलाने में हमारा साथ दे रहा है तो फिर हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे समाज के लिए, है ना। तो हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे समाज के लिए, आज हम देखेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, कि फैसले साजी के अमलों में शिरकत, कि जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो हमारी कंपनी के मालिक है, इसलिए जब हम कोई भी फैसला लें हमारी कंपनी के मुतालिक तो हमें जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनको उसमें पार्टनर बनाना चाहिए या उनको इत्तला करनी चाहिए कि हम कौन से डिसीज़न ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मूड़ीनी सलामती अने वृद्धि, के पूंजी की हिफाजत और तरक्की, क्योंकि जो संचालक है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई डिसीज़न नहीं लेता है, बराबर, और उनकी जो महारत है उस वो लोग जिसमें एक्सपर्ट है उसका इस्तेमाल कर वो लोग जो शेयर होल्डर्स है उनकी पूंजी को सलामत रखना चाहते हैं और उसकी तरक्की करना चाहते हैं। और ये चीज़ हमें किसको समझानी चाहिए, हमारे शेयर होल्डर्स को समझानी चाहिए कि हमारा मकसद ये है, हम ये करना चाहते हैं। उसके बाद आता है मालिक ना हितोनुरक्षण, मालिक के फैलाव और बहुत की हिफाजत, कि जिसमें मालिकों की भलाई है, बराबर, हम वैसी पूंजी की सलामती रखना चाहते हैं, हमारी पूंजी के जो रकम हो रही है उसमें इजाफा करना चाहते हैं, हमारी कंपनी की तरक्की करना चाहते हैं, हमारी कंपनी लंबे वक्फे तक हमारे मुल्क में, हमारे समाज में टिकी रहे, बनी रहे, तरक्की करती रहे, इसके लिए हमने ये डिसीज़न लिया है, ये चीज़ हमें हमारे शेयर होल्डर्स को समझानी होगी। उसके बाद विकास में प्राधान्य, तरक्की में तरजीह, हमें एक बार ध्यान में रखना चाहिए कि जब हमारी इकाई की तरक्की का मंसूबा बना रहे हैं, बराबर, जिन मंसूबों को हम अमल में रख रहे हैं तो उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान देना है कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी किसके पास से लें, जो
मूल मालिक है, बराबर, कि जिसने ये बिजनेस करने का आइडिया जिसके दिमाग में सबसे पहले आया था, जो मूल मालिक है, जिसने ज़्यादा पूंजी दी है हमको, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको हक के शेयर भी ऑफर करने चाहिए। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। अभी जो हमने जिम्मेदारी देखी वो कौन सी देखी? मालिक की तरफ कारोबार की सामाजिक जिम्मेदारी। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे रोकाणकार प्रत्यय धंधानी सामाजिक जवाबदारी, कि सरमायाकार की तरफ कारोबार की सामाजिक जिम्मेदारी। देखो, इकाई की तरक्की के लिए, इकाई के कद में इजाफा हो, इसके लिए हमको पूंजी की ज़रूरत पड़ी, और ये पूंजी हमको कहाँ से मिली? सरमायाकारों ने दी ना, लोन के ज़रिए, प्रेफरेंस शेयर के ज़रिए, डिबेंचर्स के ज़रिए। तो फिर हमारी उनके लिए भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। अब उनके लिए हमारी कौन कौन सी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है वर्तरनी समय से चुकौनी, मुआवजे की वक्त पर अदायगी, बराबर, वक्त पर या बर वक्त अदायगी। देखो, जो हमारे सरमायाकार है वो हमारे यहाँ पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक ही मोटो होता है, उनका एक ही मकसद होता है कि वो उन्हें जो बदला हासिल हो, उन्हें जो वर्तर हासिल हो, वो उनकी अपेक्षा के मुताबिक हो, उनकी उम्मीद के मुताबिक हो, बराबर। तो फिर ये कंपनी का और संचालकों का भी फ़र्ज़ बन जाता है कि वो जो वर्तर है, यानी जो बदला है सरमायाकारों का, वो उनको वक्त पर अदा करें और अच्छा अदा करें। इसके बाद ज़रूरी माहिती पूरी पाड़वी, ज़रूरी मालूमात फरहम करना कि जो सरमायाकार है इनको अभी हमारी कंपनी में मौजूदा हालात क्या है और मुस्तकबिल में हम कैसा मंसूबा बना रहे हैं, मुस्तकबिल में हमारी कंपनी के हालात कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों से हमें उनको वाकिफ़ करना चाहिए। इसके बाद का हमारा पॉइंट है नाणानी सुरक्षा। जो सरमायाकार है वो इकाई के जो मैनेजमेंट है, इनकी कुव्वत के ऊपर, इनके काम के ऊपर भरोसा कर अपने पैसों को हमारे यहाँ पर रुकाते हैं, बराबर। तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, उनके पैसों को सिक्योर करके रखें, ताकि जब उन्हें मुस्तकबिल में पैसों की ज़रूरत पड़े तो उन्हें आसानी से पैसे हासिल हो जाए उनके। इसके बाद सूचनों की आवकारियता के तजवीज़ का इस्तकबाल। जो अपने पैसे हमारी कंपनी में रोकते हैं वो बाज़ार से मोस्ट ऑफ वाकिफ होते हैं, उनको पता होता है कि बाज़ार में क्या चल रहा है। तो हम जब कोई फैसला ले रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर फैसले में उनको शामिल करें, हम उनकी राय लें, उनको पूछें कि मार्केट के हालात क्या है, कैसे है, क्यों है, इसमें हम क्या बदलाव कर सकते, कब कर सकते, कैसे कर सकते, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसके हमारी कंपनी पे असरात क्या पड़ेंगे, उसके जो सरमायाकार है उनके ऊपर असरात क्या पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद का हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है कर्मचारी प्रत्यय धंधानी सामाजिक जवाबदारी, मुलाजिम की तरफ कारोबार की सामाजिक जिम्मेदारी। अब मालिक तो हमने देख लिया कि भाई मालिक ने समाज के लिए क्या किया, मालिक ने सरमायाकार के लिए क्या किया, सॉरी, सरमायाकार ने समाज के लिए क्या किया। अब हमको ये देखना है कि हम जो मुलाजिम है, जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। देखो, किसी भी इकाई में कामगिरी करने के लिए, काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मुलाजिमों की ज़रूरत होती है। अगर मुलाजिम बेटर ना हो, मुलाजिम कैपेबल ना हो, तो हम चाहकर भी हमारी कंपनी को तरक्की नहीं दिला सकते, बराबर। क्योंकि बेशक जब आप 12th में जाओगे तो आपको तो पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अभी कर्मचारी व्यवस्था, कि भाई कर्मचारियों को, मुलाजिमों को उनकी स्टाफिंग कैसे करनी होती है, उनका ध्यान कैसे रखा जाता है, उनको हमें कैसे संजोकर रखना होता है, कैसे संभाल कर रखना होता है, क्योंकि वो हमारी अमूल्य संपत्ति है, बराबर। वो हमारी एक ऐसी मिल्कत है कि जो अनमोल है। तो इनकी समाज की तरफ क्या जिम्मेदारी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, कर्मचारी जीवन धोरण नी जानवणी, मुलाजिमों के तर्ज ज़िंदगी की बहाली। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो मुलाजिम हमारे यहाँ पे काम करना होता है ना, उस बेचारे का एक ही मकसद होता है कि उसको अपने काम के बदले क्या मिले, पैसा मिले, बराबर।
और अगर ये पैसा मुनासिब तादाद में ना हो तो इससे मुलाजिम के मन में एक जो इत्मीनान पैदा होना चाहिए ना, वो नहीं होगा, ना इत्मीनानी पैदा हो जाएगी उसके मन में। अब ना इत्मीनानी अगर पैदा हो गई तो फिर वो हमारे यहाँ चाहकर भी मन लगाकर काम नहीं कर सकेगा, और ये तो कहीं ना कहीं पे मुलाजिमों का इस्तेशाल हुआ ना। और हम तो एक अच्छे मैनेजर हैं ना, हमें तो एक अच्छा मैनेजमेंट करना है, तो हम मुलाजिमों का इस्तेशाल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हमारे जो मुलाजिम हैं उनको वक्त पर और उनकी जितनी सैलरी होती है उतनी देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है कामगिरी माटे योग्य वातावरण अने सुविधाओं पूरी पाड़ी, के काम के लिए मुनासिब माहौल और सहूलियत फराहम करना। किसी भी कारोबारी इकाई को हमेशा एक्टिव रखने के लिए एक ऐसा माहौल होना बहुत ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव हो, बराबर, जहाँ पर सारे मुलाजिम आपस में प्यार से रहते हो, दोस्त बनकर रहते हो, एक दूसरे की मदद करते हो। तो हमको इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी जो कारोबारी इकाई है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें हवा उजाला ये सब अच्छा बेस्ट होना चाहिए। जो औरतें हैं उनको हमें कुछ अलग रूम, उनके लिए हो सके तो, पॉसिबल हो तो उनके लिए एक अलग रूम की व्यवस्था कर देनी चाहिए और एक कैंटीन बना लेनी चाहिए, ताकि जहाँ पर जाकर हमारा जो मुलाजिम हो थोड़ा फ्रेश महसूस करे, उसको फ्रेशनेस महसूस हो, ताकि वो वापस, अगर वो टायर्ड हो गया है काम कर करके, थक गया है, तो वो ज़रा जाए कैंटीन में चाय कॉफ़ी नाश्ता करके और वापस जब वो काम पे आए तो बिल्कुल फ्रेश हो जाए, उसकी वो जो थकान है वो सारी थकान उतर जाए। उसके लिए कर्मचारियों ने सामाजिक सलामती पूरी पाड़ी, मुलाजिमों को सामाजिक जिम्मेदारी फराहम करना। देखो, मुलाजिमों को आपको मुनासिब वक्त पर मुनासिब पैसे दे देने हैं। इसके अलावा जब वो हमारे यहाँ से जा रहे हो तो उनको पेंशन, बराबर, उनको बीमा, ये सारी चीज़ों का भी हमको इंतज़ाम करना चाहिए। इसके अलावा हमें उनके प्रोविडेंट फंड, अगर वो बीमार है तो उसकी रजाए, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे मुलाजिम को हमारे साथ रहकर अपनापन लगे, वो खुद को अलग थलग महसूस ना करें। इसके बाद का हमारा पॉइंट है कर्मचारी संगठन ने मान्यता आपी, मुलाजिम तंजीम की शनाख्त करना। जो हमारे मुलाजिम हैं वो अपनी बात को बिना झिझके, बिना डरे, बिल्कुल प्यार से और शांति से मैनेजमेंट के सामने रखे, इसके लिए हमको उनको एक तंजीम बनाने की बिल्कुल पूरी छूट देनी चाहिए, ताकि अगर उनके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो उनको, तो वो बेशक अपने लीडर को कहे और उनका लीडर आकर हमसे बात करे। इसके बाद उच्च संचालकों नु समाधानकारी वलण, जो आला मैनेजर से उनका सुलझा हुआ और रहम दिल रवैया होना चाहिए। अगर आप मैनेजर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुलाजिमों को डांटने का, उन्हें हमेशा उनसे चीखने चिल्लाने का अधिकार मिल गया, हक मिल गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मुलाजिम है ये हमारी इकाई के हाथ पैर जैसे हैं। जैसे अगर आपका पूरा शरीर आपके पास लेकिन हाथ पैर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही अगर हमारे पास अच्छे से अच्छे मशीन से, अच्छे से अच्छी जगह है, हमारे पास ऑर्डर से, हमारे पास कस्टमर से, लेकिन अगर अच्छे मुलाजिम नहीं है तो हमारी इकाई कैसे हो जाएंगी? हाथ पैर बगैर के इंसान जैसी हो जाएंगी, और हाथ पैर बगैर का इंसान कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो वैसे ही अगर हमारे मुलाजिम ना हो तो हमारी इकाई हाथ पैर बिना के इंसान जैसी हो जाएगी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरण, मुदाखलत या दखल अंदाजी। देखो आप, हम क्या कर सकते हैं, हमारे मुलाजिम के काम की कलाक खरीद सकते हैं, यानी हम उसको सिर्फ काम के लिए रख सकते हैं ना कि भाई तुम हमारे यहाँ 5 कलाक काम करो या 7 कलाक काम करो, लेकिन जो उसका हुनर है उसको हम खरीद नहीं सकते, उसको तो हमको प्यार से ही जीतना पड़ेगा। तो जो भी मुलाजिम हमारे यहाँ पे काम करता है ना, हमको हमेशा उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि वो हमारे यहाँ पे जब भी काम करे बिल्कुल दिल से करे। और उसकी हौसला अफजाई करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वक्त वक्त पर उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसका प्रमोशन करना चाहिए, उसको इनाम देना चाहिए, उसके उसकी तारीफ करनी चाहिए, है ना, उसे इजाफा देना चाहिए। इन सब से क्या होगा कि
जो मुलाजिम है वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना पाएगा, और फिर दूसरी कंपनी या कोई दूसरी इकाई उसको चाहे जितने पैसे दे दे, उसको चाहे जितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन वो उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं करेगा, वो सिर्फ आप ही की तरफ रहेगा हमेशा। उसके बाद हमारा लास्ट काम है अन्य जवाबदारियों, दीगर जिम्मेदारियाँ। आप देखो, इकाई के फैसलों में हमको मुलाजिमों की हिस्सेदारी लेनी चाहिए, यानी अगर कोई हमारे पे मुलाजिम ऐसा है जो बहुत सीनियर है, जिसको काम का बहुत एक्सपीरियंस है या जो बहुत अच्छी पैदावार करता है, तो जब हम कोई फैसला ले रहे हैं तो हमें उसकी सलाह लेनी चाहिए, या तो फिर हमने कोई फैसला लिया है तो इसकी मालूमात हमें उसको देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी मुलाजिम को अपने यहाँ काम पर रख रहे हैं तो उस कि वो अपॉइंट इससे पहले ही हमें शर्त रख देनी चाहिए उसके सामने कि भाई हमारी ये शर्तें हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मुलाजिम है उसको इस बात का हमेशा एहसास रहेगा कि नहीं, मेरी जो कंपनी है वो मेरे एक्सपीरियंस को सराहती है, मेरे काम को सराहती है, और मुझे हर छोटी बड़ी बातों में पूछती है, मुझे इज्जत देती है ना। तो आज हमने ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में ग्राहक को प्रतिधंधानी, सामाजिक जवाबदारी और दीगर जिम्मेदारियाँ देखेंगे।